हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद MSA। तो आज हम जिस स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है द गैम्बलिंग मैच, जो लिखी गई थी लेखिका मरजोरी साइक्स के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लेखिका के बारे में कुछ डिटेल्स देखें तो हमारी लेखिका जो है मरजोरी साइक्स, उनका जन्म 11 मई 1905 में यूके में हुआ था और उनकी डेथ 17 अगस्त 1995 में यूके में ही हुई थी, यानी यूनाइटेड किंगडम में। उनके कुछ फेमस वर्क्स देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1943 में पब्लिश की गई थी, गांधी इज गिफ्ट ऑफ फाइट, जो 1987 में पब्लिश की गई थी, द स्टोरी ऑफ नई तालीम, 50 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एट सेवाग्राम 1937 to 1987, अ रिकॉर्ड ऑफ रिफ्लेक्शंस, और लास्ट में है क्वाइकर इन इंडिया, अ फॉरगॉटन सेंचुरी, जो पब्लिश की गई थी 1980 में। तो आज की जो हमारी स्टोरी है द गैम्बलिंग मैच, वो विश्व के सबसे बड़े एपिक यानी कि महाकाव्य महाभारत के सभा पर्व में से ली गई है। इस कहानी में पांडव शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए जाते हैं और शकुनी किस तरह चाल चलकर उन्हें हराता है उसका चित्रण किया गया है। इस स्टोरी में जुए का जो खेल है उस पर भार दिया गया है कि जिसमें पांडव अपना सर्वस्व खो देते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि युधिष्ठिर अपने गले में से कीमती मोती की माला उतारता है और कहता है कि इस माला की बराबरी में दाव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है, यानी कि गैम्बलिंग का जो मैच है वो शुरू हो चुका होता है। और सबसे पहले युधिष्ठिर अपने गले में से माला निकाल कर उसे दाव पर लगाता है और दुर्योधन से इसके बारे में पूछता है कि इसकी बराबरी में, यानी कि इस माला की बराबरी में आ सके ऐसा कुछ दाव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है, वो बहुत ही प्राउडली बोलता है। तब दुर्योधन गुस्से में आ जाता है और उत्तर देता है कि हमारे पास भी कीमती ज्वेलरीज हैं। वो अपने पास रही हुई ज्वेलरीज को पटक कर टेबल पर रखता है, यानी गुस्से में उसे नीचे फेंकता है, टेबल के ऊपर फेंकता है। उसके बाद युधिष्ठिर डाइस को फेंकता है, यानी कि जो पासे जो जुए की रमत के लिए, जैसे हम लूडो की खेल में खेलते हैं जो पासा होता है, जो डाइस, कुछ इस तरह के पासे को वो फेंकता है। तब 5 और 4 आता है और जब शकुनी उन डाइस को फेंकता है, उन पासों को फेंकता है, तो 4 और 6 आता है और शकुनी जीत जाता है। युधिष्ठिर कहता है कि मोती की माला अब तुम्हारी हुई, पर तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी दौलत जो है मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मेरे पास 1000 सोने के जग भरे हुए खजाने में पड़े हुए हैं, उन्हें मैं दाव पर लगाता हूँ। शकुनी पासे फेंकता है, तब 2 और 3 आता है। युधिष्ठिर ये देखकर थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। वो डायस फेंकता है पर उसके 3 और 1 आता है और युधिष्ठिर एक बार फिर हार जाते हैं। युधिष्ठिर कहता है कि पक्का ये कोई चाल है और वो डाइस को हाथ में लेता है और ध्यान से उन्हें देखता है, पर उसे कुछ भी प्रॉब्लम या फॉल्ट दिखाई नहीं देता क्योंकि वह बहुत ही स्किलफुली बनाए हुए थे। तब शकुनी कहता है कि अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो दूसरे डाइस ले आओ, तुम जो कहोगे वो हम करेंगे, लेकिन तुम्हें हराएंगे तो ज़रूर। ये सुनकर युधिष्ठिर को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस तरह बोलने की, खेल को आगे बढ़ाओ, मैं देख लूँगा तुम सबको। दुर्योधन छल से भरी हुई स्माइल करता है, यानी कि वो मुस्कुराता है। उसने और शकुनी ने प्लान बनाया था कि हम युधिष्ठिर को गुस्सा दिलाएंगे क्योंकि ऐसा करने से वो अपने होश खो देगा और उसे हराना, उसे बर्बाद करना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। शकुनी अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता क्योंकि उसे पता था कि वो अपने जादू या अपने चमत्कारी डाइस से युधिष्ठिर को हरा देगा, इसलिए वह बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही शांति से उसे जवाब देता है। वो इस तरह से उत्तर देता है कि जिससे युधिष्ठिर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक सच्चा, एक महान व्यक्ति कभी भी अपने आप से इसलिए काबू नहीं खोता क्योंकि वो हार रहा है, और इस तरह का वर्तन, इस तरह का व्यवहार आपके लिए अयोग्य है, पांडु के महान पुत्र। तब युधिष्ठिर गुस्से में कहता है कि मैं उचित समय पर तुम्हें सभी मैनर्स सिखा दूंगा। वो कहता है कि मैं अपना भव्य रथ, जो चंद्रमा जैसे सफेद और हवा की गति से दौड़ने वाले 8 घोड़ों से चलता है, उन्हें मैं दाव पर लगाता हूँ। पासे फेंके जाते हैं और शकुनी एक बार फिर से जीत जाता है। युधिष्ठिर अपने महल की 100,000 सिंगिंग गर्ल्स को दाव पर लगाता है, शकुनी उन्हें भी जीत जाता है। युधिष्ठिर अपने नौकर, लड़ाकू हाथी, युद्धरथ, घोड़े, अपनी आर्मी, अपनी सेना, ये सब हार जाता है। ये सब कुछ दुर्योधन को दे दिया जाता है। जो हॉल था उसमें, यानी कि जिस हॉल में, जिस सभा खंड में ये खेल खेला जा रहा था, उसमें एक्साइटमेंट बढ़ गई।
और बाकी सब व्यक्ति अपना खेल बंद करके युधिष्ठिर के टेबल के आसपास इकट्ठा हो गए। युधिष्ठिर जब सब कुछ हार गया तब बिल्कुल ही साइलेंटली अपनी सीट पर निसहाय होकर बैठ गया। विदुरा को ये सब एकदम अजीब लग रहा था, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को बुलाया। धृतराष्ट्र के जो ब्लाइंड थे, जो अंध थे, वो वहाँ पर आते हैं और अपने पुत्र की जीत के बारे में बात करते हैं। विदुरा कहता है कि मैं आपको सावधान हो जाने के लिए कहता हूँ, यानी कि वो धृतराष्ट्र को ये सब कह रहा था। मैं जानता हूँ कि आप दुर्योधन से प्यार करते हैं, पर आप उसकी दुष्टता और लालच के बारे में भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। यही वक्त है सावध हो जाने का, इसलिए इन दुष्टों का साथ छोड़ो और पांडवों को सपोर्ट करो। अंध राजा अपने चेहरे को छुपाकर साइलेंटली बैठा होता है। विदुरा गैम्बलर के पास जाता है और कहता है कि भारत के घर के राजकुमारों, मुझे ध्यान से सुनो, ये जो गेम है, ये जो खेल तुम खेल रहे हो, वो कितनों को बर्बाद कर रहा है और सबके बीच नफरत पैदा कर रहा है। दुर्योधन, तुम अपने पिता और भाइयों को बहुत बड़ी मुसीबत की ओर ले जा रहे हो। तुम्हें तब कौन बचाएगा जब पांडु के पुत्र अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे हथियार छीन लेंगे। महाराज, ये सब चाल शकुनी का है, युधिष्ठिर के साथ छल करने का, यानी कि उसको चीट करने का। उसको अभी इस गेम को रोकने का आदेश दीजिए। धृतराष्ट्र अभी भी कुछ नहीं बोलता, वह चुपचाप बैठा है। पर दुर्योधन गुस्से में बोलता है कि अंकल, यानी कि वो विदुरा को कहता है कि मुझे पता है कि आप हमेशा पांडवों के पक्ष में रहते हो। हम आपको आश्रय देकर एक सांप को पाल रहे हैं, आपको घर में रखा, आपके साथ अच्छा सुलूक किया, फिर भी आप हमारे अगेंस्ट, हमारे विरोध में हो गए। हकीकत में आप मेरे पिता को, उनके अपने ही पुत्र को बर्बाद करने की सलाह दे रहे हो। विदुरा फिर एक बार धृतराष्ट्र की तरफ देखता है और कहता है कि भाई और राजा, आपने सुना कि आपका पुत्र मेरा अपमान कर रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, फिर भी आप उसे कुछ नहीं कह रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका पुत्र अच्छे रहे। एक राजा का सच्चा दोस्त वही होता है जो उसे अनिच्छित सत्य भी, यानी कि पसंद न आने वाला सत्य भी बिना डरे कहे। अपमान बहुत ही कड़वी दवा होती है, पर एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट इंसान उसे भी पी जाता है और अपने मन को साफ रखता है। पर आप घमंड और लालच को पी गए हैं, इसलिए आप सावधान रहिएगा। शकुनी और उसके मित्र इस स्पीच को, यानी कि विदुरा ने ये जो सब कहा, उसे गुस्से के साथ सुनते हैं, जबकि पांडवों के जो सपोर्टर्स थे, उसके साथी थे, वो इस स्पीच की सराहना करते हैं, यानी कि वाहवाही करते हैं। पांडव बिल्कुल ही चुपचाप होकर बैठे रहते हैं। और जब विदुरा हॉल छोड़कर चला जाता है, तब थोड़े समय के लिए कोई कुछ भी बोलता नहीं। उसके बाद दुर्योधन बोलता है कि राजा युधिष्ठिर, शायद अब आपको उनके साथ खेलने में डर लग रहा है, जिन्हें कपटी, जिन्हें चीटर्स कहा जाता है, और शायद अब आप अपने मित्रों के साथ जाना पसंद करेंगे। युधिष्ठिर गुस्से में बोलता है कि मैं तुमसे या किसी और से डरता नहीं हूँ, खेल को आगे बढ़ाओ। खेल को आगे बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे युधिष्ठिर अपना सब कुछ खो देता है। युधिष्ठिर के बाकी भाई, यानी कि जो दूसरे चार पांडव थे, वो बैठकर ये सब देख रहे थे, पर उनमें से कोई भी इस खेल में इंटरफेयर करने की, इस खेल में दखल देने की कोशिश नहीं करता। शकुनी मजाक उड़ा रहा हो इस तरह से बोलता है कि महान राजा, अब आपके पास कुछ भी बचा नहीं है, तो अब हम खेल को यहीं रोकते हैं। युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए शांत बैठता है और फिर कहता है कि अगर मेरे भाग्य में सब कुछ हारना ही लिखा है, तो फिर उसे होने दो, पर क्या पता ये मेरा लास्ट ट्राय शायद मेरे पक्ष में आ जाए, इसलिए मैं इस बार अपना राज्य दाव पर लगाता हूँ। उसने पासे को फेंका तो दो बार चार गिरे, यानी कि चार चार ऐसे दो बार गिरे। इस बार भी शकुनी ने उसे एक अंक से हरा दिया। वो अपने भाइयों की तरफ देखता है और कहता है कि मैं अपने भाइयों के पास रही हुई करोड़ों की ज्वेलरीज को अपने राज्य के बदले दाव पर लगाता हूँ। फिर से पासे फेंके जाते हैं और एक बार फिर शकुनी जीत जाता है। युधिष्ठिर अपना राज्य और बाकी सब कुछ हार चुका है। ये सुनते ही विदुरा वापस हॉल में आता है और फिर से धृतराष्ट्र को इस गेम को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पर धृतराष्ट्र, जो उत्सुकता के साथ गैम्बलर के शब्द सुनने के लिए अपने कान लगाकर बैठा होता है, वो सिर्फ इतना बोलता है कि भाई अब बस इंटरफियर मत करो। युधिष्ठिर एक भेड़िए की तरह शकुनी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मेरे पास अभी भी एक चीज़ है जो सोने से भी ज़्यादा कीमती है। वो कहता है कि मैं अपने भाइयों द्वारा तुम्हारे साथ खेलूंगा, यानी कि अब खेल में मैं अपने भाइयों को दाव पर लगाऊंगा। सबसे पहले वो नकुल को अपने राज्य के बदले दाव पर लगाता है और इस बार भी डायस उसके अगेंस्ट गिरते हैं। फिर वो सहदेव को अपने भाई नकुल और राज्य के बदले दाव पर लगाता है, इस बार भी वो हार जाता है।
हॉल में सभी अंदर अंदर बातें करने लगते हैं, पर कोई भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब अंत में युधिष्ठिर का जो अहम था वो गिर जाता है। वो थका हुआ लग रहा था, उसके चेहरे पर थकान नज़र आ रही थी, क्योंकि वो अपना सब कुछ हार चुका था। शकुनी उसे देखता है और कहता है कि नकुल और सहदेव अब हमारे हुए, पर वो दोनों तो माद्री के पुत्र थे, कुंती के नहीं। यहाँ पे जो पांडु राजा थे, युधिष्ठिर के पिता, उनकी दो वाइफ थी, माद्री और कुंती। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जो थे वो कुंती के पुत्र थे, जबकि सहदेव और नकुल वो माद्री के पुत्र थे। इसलिए यहाँ पर शकुनी उसे कहता है कि तुमने अपने सगे भाइयों को दाव पर नहीं लगाया, तुमने सबसे पहले नकुल और सहदेव को दाव पर लगाया। फिर वो कहता है कि तो तुम अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को दाव पर नहीं लगाओगे। युधिष्ठिर को ये शब्द जहरीले तीर की तरह लग गए। युधिष्ठिर गुस्से में बोलता है कि दुष्ट शत्रु, मैं जिनसे प्यार करता हूँ उनसे अलग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पता है कि यह सब तुम्हारी एक चाल है, फिर भी मैं अपने भाई अर्जुन को अपने दोनों भाइयों और राज्य के बदले दाव पर लगाता हूँ। पासे फेंके जाते हैं और शकुनी जीत जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा एक भाई अभी भी बाकी है, क्या तुम उसे दाव पर लगाओगे? यानी कि तुम अब भीम को दाव पर लगाओगे? युधिष्ठिर ने उसे भी दाव पर लगाया और शकुनी उसे भी जीत जाता है। शकुनी कहता है कि अब आपके पास कुछ भी बचा नहीं है, तो अब हमारा खेल यहाँ पूरा होना चाहिए। युधिष्ठिर चिल्लाता है कि नहीं, मैं अपने आप को दाव पर लगाता हूँ। युधिष्ठिर के पास अब कुछ भी बचा नहीं था, इसीलिए वो अपने आप को भी दाव पर लगा देता है। पासे एक बार फिर से फेंके जाते हैं, युधिष्ठिर के 2 और 3 जबकि शकुनी के 5 और 6 आते हैं। आसपास जो लोग थे वो बिल्कुल ही शांत हो गए, क्योंकि पांडव अब गुलाम बन चुके थे। पर शकुनी को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी। शकुनी कहता है कि आपने अपने आप को हार कर गलती की है, यानी कि वो ये सब युधिष्ठिर को कहता है। आपके पास जो कुछ भी था वो सब आप हार चुके हैं, अब आपके पास दाव पर लगाने के लिए ऐसी कुछ चीज़ है कि जिससे आप अपने भाइयों, अपने राज्य और अपनी सारी संपत्ति को वापस जीत सको। और उसके बाद शकुनी धीरे से बोलता है कि क्या आपके पास अद्वितीय ऐसी रानी द्रौपदी नहीं है? सभी पांडव जो पूरे खेल के दौरान बिना कुछ बोले बैठे रहे थे वो हिल जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अंत में वो अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के खिलाफ हो जाएंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब युधिष्ठिर धीमी आवाज़ में बोलता है कि हाँ, मैं अपनी प्रिय पत्नी को यानी कि द्रौपदी को दाव पर लगाता हूँ। पूरे हॉल में से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, शेम शेम, यानी कि शर्म करो शर्म करो। वृद्ध भीष्म पितामह ने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। उनके बाकी जो साथी थे उनकी गर्दन भी निराशा से झुक गई, पर धृतराष्ट्र अभी भी शांत थे। उनका ब्लाइंड फेस उस घातक टेबल की तरफ खींचा, यानी कि जिस टेबल के ऊपर ये पूरा गेम खेला जा रहा था उस तरफ उनका ध्यान खींचा। शकुनी ने पहले पासे फेंके तो उसके 3 और 5 गिरे। युधिष्ठिर ने पासों को उठाया और कांपते हुए हाथों से उन्हें फेंका तो उनके 6 और 1 गिरा, और इस तरह द्रौपदी भी उनकी गुलाम बन गई, यानी कि वो द्रौपदी को भी खेल में हार गए। और हमारी ये स्टोरी यहाँ पे पूरी होती है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी या किसी और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड